हेलो फ्रेंड्स, चंदा बला एस्पिरेंट पर आप सभी लोग का वेलकम। आज का जो अहम तरीन टॉपिक है जो UPPCS जे के लिए जो है इम्पोर्टेंस MCQ जो आपके सामने लाया हूँ दोस्तों, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, ये इसका MCQ हम कर लेते हैं दोस्तों। ये खास करके लिए जो है UPPCS जे के लिए, एक बार हम लास्ट टाइम पीक टाइम चल भी रहा है और हम इंटरनेशनल जो है इसको याद कर लेते हैं। और ख़ास करके बात यह है कि जो भी हमने सेक्शन बताए हैं, सेक्शन जो है वो पूछे जाएंगे 25 से 30 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे। तो एवन दोस्तों, सेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, MCQ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना भी आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक ये कहता है कि बात ये करता है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 गॉट एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को कब एसेंट मिला है, तो 29/12/2007 कब मिला है, 29/12/2007 किसको, प्रेसिडेंट को एसेंट मिला हुआ है। अब सेकंड बात करता है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन 2007, तो एक्सटेंड टू, कब एक्सटेंड हुआ मेंटेनेंस जो है पेरेंट्स सिटीजन्स को एक्सटेंड कब हुआ है, तो कहाँ हुआ है, एक्सटेंड टू जो है होल इंडिया यानी संपूर्ण भारत में। अब बात करते हैं नेक्स्ट ये द टर्म सीनियर सिटीजन हैज बीन डिफाइंड। तो सीनियर सिटीजन कहाँ डिफाइन किया गया है, तो 2H में डिफाइन किया गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द आर द ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। तो 2 MAC की जो है प्रोविजंस ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ओल्ड पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन मोर फॉर इफेक्टिव। सेकंड है मैक ए लीगली ऑब्लिगेशन फॉर एडल्ट चिल्ड्रेन एंड हैव टू प्रोवाइडेड पेरेंट्स बाय वे ऑफ मंथली अलाउंस। सी है एन एक्सेप्शन जो है इन एक्सपेंसिव एंड स्पीडी प्रोसीजर टू क्लेम मंथली मेंटेनेंस पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। डी है ऑल द अबव। तो इसका सही उत्तर होगा डी होगा, ऑल द अबव। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है डिफाइन ऑफ चिल्ड्रेन अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 डज नॉट इंक्लूड। तो क्या नहीं इंक्लूड है, तो डी नॉन ऑफ द दीज, ये इंक्लूड नहीं है। अब आ जाते हैं सेक्शन 6 पे, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट 2019 सीलिंग 10,000 रुपीज मेंटेनेंस अमाउंट, जो इसकी सीलिंग किए गए 10,000 रुपीज मेंटेनेंस अमाउंट होगा क्या होगा, हैज बीन रिमूव, हैज बीन इंक्रीज, हैज बीन फाइनेंशियल स्टेटस। तो इसका डिपेंड अपॉन द सीनियर सिटीजन रिक्वायरमेंट्स। तो इसका आंसर ये हैज बीन रिमूव किया गया, हैज बीन रिमूव किया गया है। सेक्शन 7 विद इन हाउ मच टाइम द एप्लीकेशन फॉर मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसिव प्रोसीडिंग सेल बी डिस्पोज, जब कितने दिन के अंदर जो प्रोसीडिंग डिस्पोज किया जाएगा, तो प्रोसीड किया जाएगा 90 दिन के अंदर। प्रोसीड कितने दिन के अंदर किया जाएगा, 90 दिन के अंदर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट बीन कंस्टिट्यूट, किसके द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाएगा, मेंटेनेंस का जो ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा किस एक्ट के द्वारा भी कंस्टिट्यूट किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब आ जाते हैं सेक्शन जो है 9, ऑल एविडेंस सेल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड फॉर, ऑल एविडेंस सेल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड फॉर, किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, तो ये क्या होगा, इसका जो प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर होगा समन केसेस। क्या होगा प्रोसीजर, वो प्रोसीजर समन्स होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, पर्सन हु कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ सीनियर सिटीजन, तो कौन किसका कैटेगरी सीनियर सिटीजन का है, तो ये बूथ है AOC है, यानी पर्सन अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स होता है, पर्सन अबव द एज ऑफ 55 ईयर्स, तो जो है या पर्सन हु एज ऑफ द अटेंड एज 60 ईयर्स, यानी 60 ईयर्स से ऊपर जितने भी व्यक्ति होंगे वो जो है सीनियर सिटीजन के अंतर्गत जो है आएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 5। तो मेंटेनेंस किस कहाँ फाइल किया जाएगा, सीनियर सिटीजन ऑफ किसके द्वारा फाइल, सीनियर सिटीजन
और पेरेंट्स बाई एनी अदर ऑफ पेरेंट्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स पेरेंट्स इनकेपेबल ट्रिब्यूनल मैग टू सो मोटू कंगनीजेंस ऑल द अबव। तो इस किसके द्वारा लिया जाएगा, तो यहाँ जो लिया जाएगा वो ऑल द अबव। एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल कैन बी फाइल्ड विद इन, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल कैन बी फाइल्ड विद इन अपील। तो क्या फाइल होगा बताइए फटाफट, तो क्या फाइल होगा, अब फाइल होगा ए बी 60 डे मेडिकल सपोर्ट टू सीनियर सिटीजन हैज बीन गिवन सेक्शन 20 मेडिकल सपोर्ट टू सीनियर सिटीजन हैज बीन गिवन 20। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच अथॉरिटी में इस्टाब्लिश ओल्ड एज होम, तो ए है स्टेट गवर्नमेंट, ए है स्टेट गवर्नमेंट, अलाउंस फॉर मेंटेनेंस शैल बी पेबल फ्रॉम, तो क्या होगा अलाउंस जो है फॉर मेंटेनेंस शैल बी पेबल क्या होगा, ए होगा जो है इसका क्या होगा डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ ऑर्डर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बात करते हैं क्या है, नेक्स्ट है 16 पनिशमेंट प्रेस्क्राइब फॉर नॉन पेमेंट ऑफ मंथली अलाउंस और एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग एज 1 month फॉर अंटिल पेमेंट सूनर मैन, 1 month और अंटिल पेमेंट सूनर मेड। नेक्स्ट है 17 डिजिनेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफिसर हैज बीन प्रोवाइडेड, डिजिनेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफिसर हैज बीन प्रोवाइडेड ए सेक्शन 18। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर हैज बीन डिपॉजिट, अमाउंट मेंटेनेंस ऑर्डर हैज बीन डिपॉजिट आंसर जो है 30 डे, आंसर 30 डे। हाउ मच इंटरेस्ट कैन बी ऑर्डर इन केस मेंटेनेंस एन एप्लीकेशन इज अलाउड, हाउ मच इंटरेस्ट कैन बी ऑर्डर इन केस मेंटेनेंस एप्लीकेशन इज अलाउड होगा बी होगा नोट लेस देन 50 एंड 5 मोर देन 18 5% और नॉट मोर देन 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट देखते हैं हाउ हु शेल प्रिसाइड ओवर द अपीलेट ट्रिब्यूनल, हु शेल प्रिसाइड ओवर अपीलेट ट्रिब्यूनल बी है ऑफिसर नॉट बिलो रैंक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा, तो ऑफिसर नॉट अलाउड टू रैंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। 21 पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड फॉर अबाउंडिंग सीनियर सिटीजन सेक्शन इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 month एंड फाइन अप टू 100 rupees, जो इसका दंड है इसका अप टू जो है 3 महीने और फाइन कितने हो गए 1000 rupees होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट। बैरिंग ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट हैज बीन गिवेन ए जुरिडिक्शन हैज बीन गिवेन क्या है इसका, तो जुरिडिक्शन हैज बीन गिवेन सेक्शन 27 ओके। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द रिसेंट के सुप्रीम कोर्ट इंडिया हेल्ड द प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के नॉट बी इन्वॉल्व बाई एनी लॉ टू इवेक्ट दियर डॉटर इन लॉ एज वुड डिप्राइव हर ऑफ राइट इन शेयर हाउस होल्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट किसका है, तो बी बिनाथा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ईयर 2021 एस बिनाथा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ईयर 2021। नेक्स्ट हु हैज अथॉरिटी टू मेक पीरियडिक रिव्यू अंडर मॉनिटर प्रोग्रेसिस और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, सी है सेंट्रल गवर्नमेंट हु अथॉरिटी टू मेक पीरियडिक रिव्यू एंड मॉनिटर प्रोग्रेस और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट
एस्टैब्लिशमेंट ओल्ड एज होम हैज बीन गिवन चैप्टर, इसका चैप्टर क्या होगा आप बताइएगा। एस्टैब्लिशमेंट होम गिवन का जो चैप्टर है ये क्या होगा, इसका चैप्टर जो है क्या होगा तो थर्ड होगा, इसका चैप्टर जो है वो थर्ड होगा। इसी के बाद मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओके।